अबे यार, सुबह सुबह घर में इतने जनों की आवाज, जरा जाकर चेक करते हैं। एक मिनट, ये लोग कौन है? ऐसा लग रहा है कोई अंकल आंटी है, पर ये लोग मेरे घर में क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाके चेक करता हूँ गाइस। अबे यार, ये क्या, ये तो मेरे आंटी अंकल है। हेलो अंकल आंटी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, वो दरअसल तुमसे मिले बहुत ज्यादा टाइम हो गया था ना, तो हमने सोचा क्यों ना आज जाके मिल लिया जाए। फ्रैंकलिन, तुम तो कितने बड़े हो गए हो और पहले से काफी अलग दिख रहे हो। हाँ, वो आपने देखा तब मैं 10 साल का था, अब मेरी उम्र 30 साल हो गई है। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, ताकि तुम्हारी शादी करवा सके। अरे वह क्या बात है, फ्रैंकलिन भैया की भी शादी होगी, कितना मजा आएगा। शिनचैन यार, यहाँ तो चुप हो जा। और आप लोग ये क्या बोल रहे हो, अचानक से मेरी शादी कहाँ से आ गई बीच में? और वैसे भी अभी मुझे सेटल भी होना है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ठीक है, वरना कोई भी लड़की ढूंढो और आज के आज तुम्हारी शादी होगी। अरे यार, आप लोग पागल हो गए हो क्या? और जरा मेरी शक्ल देखो, कौन सी लड़की मुझे हाँ बोलेगी? अंकल यार, जरा आंटी को समझाओ ना। बेटा मैं क्या समझाऊँ, पूरी जिंदगी बीत गई, मेरी बात तो समझी नहीं आज तक, तुम्हारी क्या समझेगी। सुना ना तुम्हारे अंकल ने क्या कहा, तुम्हारे पास बस आज का दिन है, जो लड़की ढूंढनी है ढूंढो, कोई ना कोई तो होगी जिसे तुम पसंद आओगे। अच्छा ठीक है, अभी क्या, अभी रुको सब लोग, आपको मेरी शादी करवानी है ना, तो मैं जाके लड़की ढूंढ के आता हूँ, वरना पता नहीं अगर आप लोगों ने ढूंढ ली तो कैसी पकड़ के लाओगे। आप लोग यहीं पर रुको, मैं जाके ढूंढ के आता हूँ। गाइस यार, बोल तो दिया है पर मैं लड़की के पास नहीं जा रहा, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, यहाँ से जाऊंगा सीधा टोनी के पास और उसे हेल्प लूंगा, अगर वो समझाएगा ना तो शायद से आंटी मान जाए। जल्दी से गाड़ी लेके निकलता हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता था कि सुबह उठूंगा तो मेरे साथ ये सब होगा, काश के टोनी कुछ मदद कर दे यार। वैसे गाइस, आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, या फिर आपको भी यही लगता है कि मुझे लड़की नहीं मिलेगी। चलो हम लोग थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे टोनी के घर पे, पता नहीं वैसे क्या कर रहा होगा। अब जल्दी से जाके गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पर और टोनी को जाके सब कुछ बताता हूँ। ये रहा टोनी, यार मेरी बात सुन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एक मिनट, ये लड़की कौन है और रो क्यों रही है? और ये एक मुसीबत में फंस गई है, इसलिए मुझसे मदद मांगने आई है। देख टोनी, मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तू पहले मेरी मदद करेगा, इसकी मेरे बात कर देना। अरे पहले देखो तो सही, ये रो रही है, एक बार इसकी मदद करने दो, फिर मैं तुम्हारी बात भी सुन लूंगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? तू मेरी बात को समझ, अगर तूने पहले मेरी नहीं सुनी तो मैं इससे भी बुरा रोऊंगा। और वो एक ऐसी मुसीबत है जिसमें अगर एक बार घुस गया तो फिर बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें इसकी मदद करनी होगी, तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। सुननी तो तुझे अभी पड़ेगी, मैं इसकी मदद कर दूंगा। देख, मेरे आंटी अंकल है ना, मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मुझे नहीं करनी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंटी को जाके मनाओ। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे आंटी अंकल यहाँ पर है, तुमने कभी मिलवाया नहीं? अरे यार, ये मुलाकात का टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे काम हो जाएगा तुम मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हारी आंटी के पास चला जाऊंगा। ये हुई ना बात। और दीदी, आप रोना बंद करो यार। अच्छा ठीक है, पर तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ मैं करने को तैयार हूँ, पर जरा बताओ तो सही कि हुआ क्या है। कुछ गुंडे मुझे रोज परेशान करते हैं, आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरा हाथ पकड़ लिया था, मैं चाहती हूँ तुम उन्हें सबक सिखाओ। ओके, तो ऐसी बात है, ये मामला तो गंभीर है। चलो आ जाओ मेरे पीछे, इन्हें अपनी गाड़ी में लेके जाते गाइस, क्योंकि दीदी को लोकेशन तो पता ही होगी। अब यहाँ से कहाँ जाना है? तुम बस सीधे चलो, जहाँ पट्टन आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। हाँ पर थोड़ा जल्दी बताना, ऐसा ना हो कि आगे निकलने के बाद बताओ। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ओके ओके भाई, यार मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें कैसे भाई लगती हूँ? अरे मतलब वो वाला भाई नहीं, वो बस मेरे बोलने में आता है ऐसे ही। देखो अब यहाँ से यहाँ पर जाना है। अरे कहाँ से कहाँ पर? मतलब यहाँ से सीधा सीधा। अरे यार मैं सीधा ही चल रहा था। देखो वो गुंडे यही कहीं पर होंगे, तुम्हें इस गली के अंदर जाना होगा। अच्छा ठीक है, चलते गाइस गली के अंदर भी। ओ हो हो, अबे एक दो नहीं, यहाँ तो बहुत सारे। दीदी यार, आपने ये नहीं बताया था कि यहाँ पूरा झुंड होगा? हे तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म है कि नहीं है? संभल के, ये लोग बहुत खतरनाक है। अरे यार आप टेंशन मत लो, इनको तो मैं देखता हूँ। हाँ मैं कहाँ पर था, थोड़ी भी शर्म है कि नहीं है? लड़की को छेड़ना कोई अच्छी बात है? तुम्हें पता है ना इस पे पुलिस केस हो सकता है, अगली बार ऐसा कुछ करने की सोचा ना तो तुम सबके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तू हमारे हाथ पैर तोड़ेगा, वो भी हमारे इलाके में आके। मुझे चिंता हो रही है, ये लोग बहुत खतरनाक है, तुम आराम से ही बात करना, मैं नहीं चाहती कुछ हो। देखो मोहतरमा, फिलहाल मुझे अपना काम करने दो, अगर ऐसा ही था तो आप आके बात कर लेती। अच्छा ठीक है। हाँ तो पप्पू के चप्पू, तू भी इसको छेड़ता है? अबे शक्ल देख ले। ए, तेरे बोलने का मतलब क्या है बे? अभी बताता हूँ। ये हाँ नहीं तो हल्के में ले रहे। हे ये क्या कर रहा है, तूने मेरे आदमी को हाथ लगाया, अभी तो बचेगा नहीं। ओ हो, गाइस सब लोग आ गए, इनके भाई को मार दिया मैंने। ये ले तेरी तो। नहीं नहीं अंकल, ये मिस्टेक मत करना, अब बहुत भारी पड़ेगा। ये ले। क्या उड़
के जा रहे गाइस यार, इनसे तो ज्यादा ही पावर है मुझ में। आजा आजा भाई, तू भी आजा, तेरी भी बारी। ओह ओह, ये फिर से आ गया यार, इसका पेट नहीं भरता, इसका तो नारियल ही फोड़ता हूँ। ओ भाई साहब, ये देखो, ये बाजू में नजारे देख रहा है। ऐसा नहीं इनकी मदद कर दूं, शायद वो गोली चलाना नहीं चाहता होगा। आजा आजा आजा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ये ले। अरे मैचिंग। ओ भाई यार, ये तो स्ट्राइक हो गया, एक से भले दो। आओ आओ, अब तो मुझे मजा आने लगा है। और एक और बार गाइस, यार इस बार ज्यादा दूर नहीं गिरा। देखो चप्पू पप्पू जो भी नाम है तुम्हारा, इस बार छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार अगर मुझे पता चला ना, यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ से सीधा जेल। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ मोहतरमा। वैसे यार आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम मोनिका है, मेरा घर यही मेन रोड पर है। अच्छा ठीक है, चलो गाइस ये वाला काम हो गया। अब टोनी ने जैसा बोला था, मैं टोनी को कॉल करके बता देता हूँ। ये लगाया मैंने फोन, उठा उठा उठा। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। अरे यार टोनी, ये वाला काम तो मैंने कर दिया, अब मेरा काम कर दे भाई, जाके मेरी आंटी से बात कर ले। अरे मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, तुम बस जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्या बात कर रहा है, तुम मेरे घर कब पहुँचा? तुम ये सब छोड़ो ना, मैंने तुमसे वादा किया था, तो मैं तुम्हारी आंटी से बात करने आ गया हूँ, अब तुम बस जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अच्छा ठीक है भाई। गाइस यार ये तो काफी ज्यादा जल्दी पहुँच गया। मोनिका, हम लोग टोनी के घर पर नहीं जा रहे, क्योंकि वो मेरे घर पर गया हुआ है, तो अगर तुम्हें कंफर्टेबल हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही चल लो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे बस टोनी को शुक्रिया कहना है, वो भले तुम्हारे घर पर हो या उसके घर पर। चलो यार गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं, पता नहीं अभी तक आंटी मानी होगी या नहीं, मुझे तो इसी बात का डर लगा हुआ है। बस टोनी यार अपना काम कर दे, हम लोग इस मचमच से निकले और फिर से मैं आजाद हो जाऊँ। मैं नहीं चाहता यार मैं इतना जल्दी शादी करूँ, फिर बीबी बच्चों को संभालो, खुद के तो खाने के लाले पड़े हुए, उनको कहाँ से कमा के दूंगा। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अरे नहीं नहीं किसी से नहीं। ये तुम्हारा घर है? हाँ यही मेरा घर है, अभी बाहर निकलो। चलो मैं तुम्हें अपने आंटी अंकल से मिलवाता हूँ। अबे ये क्या है, टोनी ने तो बोला था वो आया है, यहाँ तो पूरा झुंड जमा हो गया है। आओ आओ फ्रैंकलिन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, काफी देर लगा दिया आने में। हाँ वो थोड़ा ट्रैफिक था, पर ये सब क्या है भाई, तू मेरी आंटी को समझाने आया था या फिर खुद पूरी बारात लेके हाथ मांगने आ गया है? दरअसल तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, तुम्हारी आंटी और मेरी पहले ही बात हो चुकी है। अरे यार तू भी नहीं समझा पाया, ठीक है चलो मैं मान भी जाता हूँ, पर मैं शादी करूंगा किससे, मुझे कोई लड़की नहीं मिली। लड़की तो है हमारे पास, वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। एक मिनट, तुम लोग मोनिका की बात कर रहे हो? अबे यार मैं तो हाँ बोल भी दूंगा, वो थोड़ी ना मानेगी, जरा पूछ कर तो देखो। देखो मोनिका थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, पर क्या तुम उससे शादी करोगी? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इनके प्रेशर में आके कुछ बोलो मत। देखो देखो वो मेरी शक्ल ध्यान से देखो। नहीं नहीं तुम अच्छे ही दिखते हो। अबे यार ये भी मान गई। अच्छा ठीक है चलो मैं भी तैयार हूँ, शादी कब करनी है? अरे वो तो आज ही होगी, और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अरे आपके साथ सुबह से जो हो रहा है ना, ये सब आंटी और अंकल का प्लान था, इस लड़की की मदद करना, आपका टोनी के घर पे जाना, इन्हें सब पहले से ही पता था कि आप क्या करोगी, और आप फंस भी गई। एक मिनट, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया? अबे यार ऐसा कौन करता है एक शादी करवाने के लिए? देखो अब कोई नखरे नहीं, लड़की भी मिल गई है, वो तुम्हें पसंद भी करती है, और हमने तो इसे पहले से ही चुन लिया था, और तुमने भी हाँ कर दी है। अच्छा ठीक है, पर तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगी शादी, डेकोरेशन बाकी है। तुम उसकी चिंता मत करो, जाके तैयार हो जाओ, जब तक तुम दोनों तैयार होगे हम लोग डेकोरेशन कर देंगे। अच्छा ठीक है। गाइस यार अभी क्या ही बोल सकते हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए। वाह क्या बात है, आखिरकार तुम मान ही गए। चलो मोनिका तुम भी तैयार हो जाओ, मैं भी जाके तैयार हो जाता हूँ। गाइस यार अब तक तो इस लड़की के साथ घूम रहा था तो कुछ नहीं था, अब मुझे ज्यादा शर्म आ रही है इसको देखते हुए। चलो आंटी अंकल मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मुझे अपनी शादी में बहुत अच्छा दिखना है। गाइस यार शाम का टाइम हो चुका है, मैं भी पूरी तरीके से तैयार हूँ, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इन्होंने सारी डेकोरेशन कर ली है। शिनचैन कैसा लग रहा हूँ, और आप सब भी बताओ। वाह वाह फ्रैंकलिन तुम तो कमाल लग रहे हो। अरे ऐसा लग रहा है गोबर की दुकान। एक मिनट क्या बोला? अरे मतलब कि गुड लुक्स की दुकान। वैसे मैं तो आ गया, मोनिका कहाँ पर है? वो तो तुम्हें पता होगा ना, हमने तो उसे दोपहर से नहीं देखा, लगता है अभी भी तैयार हो रही होगी। शिनचैन तुम जाकर देख के आ जाओ, तुम्हारी भाभी अभी तक क्या कर रही है। अरे पर वो तैयार हो रही होगी ना, तो अभी जाना ठीक थोड़ी होगा। अरे मैं तो बच्चा हूँ, रूम के बाहर से ही आवाज लगाऊंगा, चलो मैं जाकर चेक करके आता हूँ, आप लोग चिंता मत करो। अरे मोनिका दीदी कहाँ पर हो? अरे सॉरी मोनिका भाभी, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है, शायद अपने छोटे देवर से शर्मा रही होगी। मोनिका कहाँ पर हो तुम? सॉरी मोनिका भाभी कहाँ पर हो? अरे बापरे ये तो नीचे भी नहीं है और ऊपर भी नहीं है, कहाँ पर जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रैंकलिन भैया से शादी करने के डर से भाग गई हो? सुनो 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 लड़की भाग गई है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये शादी तो कैंसिल हो गई, मुझे जाके सबको बताना पड़ेगा, दीदी कहीं पर भी नहीं मिल रही है, मैंने पूरा घर छान लिया है, ना वो बाथरूम में है ना किसी रूम में, ना ही ऊपर ना ही नीचे। अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट किसका कॉल आ रहा है? ये तो अननोन नंबर है। फ्रैंकलिन मैं हूँ
बैडमैन। बैडमैन? ये कौन है? मैं वही हूँ जो बचपन से मोनिका के पीछे पड़ा हुआ है, और तुम अचानक से आके उसे शादी कर लोगे। मोनिका से तो मैं ही शादी करूंगा, वो कितनी खूबसूरत है। अबे यार, इसने तो फोन काट दिया। टोनी मेरी बात सुन, उसे किसी बैडमैन ने उठा लिया है। उसका फोन अभी मुझे जस्ट आया था, तो हम लोग उसे ट्रेस कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने साथ इमरजेंसी के लिए एक सूट लेके ही चलता हूँ, वो तुम्हारे पीछे ही पड़ा है। ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से पहन के निकलते गाइस यहाँ से। उसकी लोकेशन गाइस ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं बीच के आसपास है वो। देखो यार, यहाँ ऊपर से देखना होगा, एक तो इतना अंधेरा है, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा कोई। ओह वो एक मिनट, वहाँ कोई तो खड़ा है, मुझे लगता है यही लोग होंगे। ये रहा टोनी, मुझे बचाओ। अरे मैं टोनी नहीं हूँ, फ्रैंकलिन ही हूँ, मैंने बस उसका सूट पहना है। अच्छा तो तुम ही इसके आशिक हो, आज तुम्हारी सारी आशिकें निकाल दूंगा। ये अगर पत्नी बनेगी तो मेरी, मैं ही इससे शादी करूंगा। ऐसे कैसे? एक मिनट, ओ भाई यार तेरी तो मैं कहा गया गाइस, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, इसके पास तो अच्छी अच्छी पावर्स है। अबे यार मैं इसे ऐसे नहीं हार सकता, आज मेरी शादी होने वाली है और तूने उसी लड़की को उठा लिया, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। वैसे ये थोड़ा थोड़ा स्लेंडरमैन जैसे ही दिख रहा है, पर ये वो है नहीं, पहली बार में तो मुझे भी वही लगा था। एक बार खड़े होने दे, फिर तुझे बताता हूँ। तू तो गया बेटे, तू शादी में तो जरूर आएगा पर बाराती बन के। ओ भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस, किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कैसे कर सकता है तू? अबे यार इसे तो भाग भी नहीं सकता गाइस, ये तो पीछे पड़ पड़ के मार रहा है। अब लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ले, अब बच के दिखा। अरे अरे अरे, पास आने की जरूरत नहीं है, अब मिसाइल की बारी है गाइस। इसे तो चारों बाजू से भून के रख दूंगा मैं। खाओ 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 खाओ। और ये ले, मुझे लगता है गाइस बैडमैन को भी बैड की जरूरत है। मोनिका चलो, उसे तो सबक सिखा दिया मैंने। वैसे तुमने कभी बताया नहीं मुझे बैडमैन के बारे में। मुझे जरूरत ही नहीं लगी, मैं उसे बहुत पहले मिली थी। चलो गाइस, तो फाइनली सब कुछ निपट चुका है और आज हमारी शादी है, तो हमें बधाइयां दे देना कमेंट में। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।